क्या आज हमारे खाने में पहले के मुकाबले कम न्यूट्रिएंट्स हैं? काफ़ी सारे लोगों का यह मानना है कि धीरे धीरे हमारे खाने में न्यूट्रिएंट्स कम होते जा रहे हैं। इनफैक्ट 2004 में साइंटिस्ट ने एक स्टडी पब्लिश की थी जिसमें उन्होंने 43 डिफरेंट क्रॉप्स की न्यूट्रिएंट कंटेंट को कंपेयर किया था 1950 से 1999 के बीच में, और उन्होंने देखा कि सभी क्रॉप्स में प्रोटीन्स, विटामिन्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कम हो गए थे और कार्बोहाइड्रेट्स इंक्रीज हो गए थे। तो इसका मतलब यह है कि हमारे क्रॉप्स में एक्चुअली न्यूट्रिएंट कंटेंट कम हो रहा है। लेकिन आखिर ऐसा होगा क्यों? वेल, इसके पीछे सबसे पहला रीजन सॉयल डिप्लीशन हो सकता है। सभी प्लांट्स सॉयल से न्यूट्रिएंट्स लेके ग्रो करते हैं और हम काफ़ी लंबे टाइम से फार्मिंग कर रहे हैं। जैसे जैसे हम फार्मिंग करते जाते हैं वैसे वैसे सॉयल के न्यूट्रिएंट्स धीरे धीरे कम होते जाते हैं अगर हम इन्हें रिप्लेनिश ना करें तो। जिन एरियाज में फार्मिंग सस्टेनेबल तरीके से नहीं की गई है आज उन एरियाज में क्रॉप उगाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन आज के टाइम पे फार्मर्स सॉइल के न्यूट्रिएंट कंटेंट को फर्टिलाइजर्स, मन्योर्स एक्सेट्रा से सप्लीमेंट करते रहते हैं और इसकी वजह से सॉइल का न्यूट्रिएंट कंटेंट वैसे का वैसा ही बना हुआ है। हाँ, ऐसे काफ़ी सारे एरियाज हैं जहाँ पर सॉइल का न्यूट्रिएंट कंटेंट काफ़ी कम हो गया है, लेकिन जहाँ पे भी फार्मिंग सस्टेनेबल तरीके से की जा रही है, जहाँ पर क्रॉप्स को ऐसे रोटेट किया जाता है ताकि सॉइल का न्यूट्रिएंट कंटेंट रिप्लेनिश होता रहे, वहां पर सॉयल डिप्लीट नहीं हो रही है। कम न्यूट्रिएंट वाली क्रॉप्स का दूसरा रीजन हो सकता है सेलेक्टिव ब्रीडिंग। हमने क्रॉप्स में काफी ज्यादा सेलेक्टिव ब्रीडिंग की है और आज की काफी सारी क्रॉप्स अपनी एंसेस्टर्स के मुकाबले बिल्कुल डिफरेंट हो गई हैं। आप कॉर्न को ही ले लीजिए, आज की कॉर्न की क्रॉप अपनी ओरिजिनल एंसेस्टर ग्रास से बिल्कुल अलग है। हम प्लांट्स की क्रॉस ब्रीडिंग इसलिए करते हैं ताकि हमें बेहतर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिल सकें। इन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की शेल्फ लाइफ भी ज़्यादा होती है और यह डिजीज के अगेंस्ट भी ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं। लेकिन क्या क्रॉस ब्रीडिंग के इस एफर्ट में हमने प्लांट्स का न्यूट्रिएंट कंटेंट ही कम कर दिया है? वेल, इसे एस्टैब्लिश करने के लिए हमें एक ऐसा प्लांट चाहिए जिसमें ह्यूमंस ने क्रॉस ब्रीडिंग नहीं की हो और इस प्लांट का हिस्टोरिकल सैंपल्स हमारे पास मौजूद हों। और अमेरिका में साइंटिस्ट ने यही किया। अमेरिका में एक वाइल्ड फ्लावर प्लांट ग्रो करता है जिसे गोल्डन रॉट कहते हैं। इस प्लांट को ह्यूमंस यूज नहीं करते लेकिन इस प्लांट से बीज को प्रोटीन मिलता है। प्लांट में आज तक कोई भी सेलेक्टिव ब्रीडिंग या क्रॉस ब्रीडिंग नहीं की गई है और स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट में इस प्लांट के सैंपल्स 1842 से कलेक्ट किए गए हैं। साइंटिस्ट ने इन्हीं 1842 के सैंपल्स को आज के मिले सैंपल से कंपेयर किया और उन्होंने देखा कि इस प्लांट में भी प्रोटीन कंटेंट लगभग 30% गिर गया था। तो फिर आखिर इसके पीछे क्या कारण है? इस प्लांट में तो सेलेक्टिव ब्रीडिंग भी नहीं की गई थी। वेल, तो प्लांट्स के न्यूट्रिएंट कंटेंट के कम होने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वह है एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर पॉल्यूशन की वजह से प्लांट के न्यूट्रिएंट कंटेंट कैसे कम हो सकता है? सभी प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं फूड को प्रोड्यूस करने के लिए और आज के टाइम में एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन आज से 50 या 100 ईयर्स पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ गया है। और एटमॉस्फेयर में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंट होने की वजह से प्लांट की ग्रोथ में भी काफी ज्यादा इंक्रीज आ गया है। हम इस चेंज को स्पेस से भी देख सकते हैं। आज के टाइम पे क्रॉप्स की डेंसिटी पहले के मुकाबले लगभग 50% से ज्यादा बढ़ गई है। साइंटिस्ट ने कार्बन डाइऑक्साइड के प्लांट की ग्रोथ पर इंपैक्ट को स्टडी करने के लिए कई एक्सपेरिमेंट्स रन किए हैं। उन्होंने प्लांट्स को ग्रो किया और उनके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को आर्टिफिशियली इंक्रीज कर दिया और उन्होंने देखा कि कई सारे प्लांट्स जैसे कि वीट, राइस, पोटैटोज एक्सेट्रा ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में ज्यादा जल्दी से बड़े होते हैं। और यहीं पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होती है क्योंकि ज्यादा जल्दी बड़े होने का मतलब ज्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं होता बल्कि प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट्स इंक्रीज होते हैं और न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी
कंपेरेटिव अमाउंट में कम हो जाती है। आज के प्लांट्स में न्यूट्रिएंट्स का कंसंट्रेशन पहले के मुकाबले कम हो गया है और इसे हम डाइल्यूशन इफेक्ट कहते हैं। डाइल्यूशन इफेक्ट की वजह से आज जो भी फूड आप कंज्यूम कर रहे हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी कम हो गई है और आपको ज्यादा से ज्यादा फूड को कंज्यूम करना होगा सिमिलर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करने के लिए। और आज के फूड्स में न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी कम होना ही ग्लोबल लेवल पे जो ओबेसिटी इंक्रीज हो रही है उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है। हमारी बॉडी को जब एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिल जाता है तब हम फुल महसूस करते हैं, लेकिन आज के प्लांट्स और क्रॉप्स में तो प्रोटीन पहले के मुकाबले कम हो गया है और इसीलिए हमें ज़्यादा फूड को कंज्यूम करना होता है। और ज़्यादा फूड को कंज्यूम करने की वजह से हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स इंक्रीज हो जाते हैं और हम ओबेसिटी की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। और अगर हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ऐसे ही बढ़ता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब हमें अपने खाने के साथ हमेशा न्यूट्रिएंट्स और सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे ताकि हमारी बॉडी को सही अमाउंट में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और विटामिंस एक्सेट्रा मिल सकें। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे क्यूरियस।